अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यू पावर का जो चाइना का बैटरी चार्जर होता है 10 एम्पीयर का, उसके बारे में है। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इस चार्जर को पहले हम खोलते हैं दोस्तों। ये साइडों से आप इसके देखेंगे तो पेच लगे होते हैं, वो आपने खोल लेना है। उसके बाद आपने इसका ढक्कन ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आप साइडों पे देख रहे हैं इसके FET जो लगे हुए हैं अंदर से आपको नज़र आए हैं, तो उनको भी बाहर से साइडों पे पेच लगे हुए थे, वो भी आपने इस तरह खोल के सर्किट बाहर निकाल लेना है। ये भी ज़हन में रखिएगा, जैसे आप इसे खोलेंगे और वैसे ही फिट करना है। उसके बाद दोस्तों इसको मीटर से कंपोनेंट मुख्तलिफ चेक करने हैं। हमने इसे चेक किया है तो इसका FET ख़राब है, IC भी ख़राब है दोस्तों। इसका जो FET है 2847 है, ये मुख्तलिफ और नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका IC आपने ओपन करना है, और IC ओपन करके दोस्तों आपने सबसे पहले जो 8 पिन की बेस होती है इस तरह की, आसानी बाज़ार से मिल जाएगी दोस्तों, ये लगा लीजिएगा, क्योंकि बाज़ू का IC दोबारा भी लगाना पड़े तो आपको परेशानी ना हो। मज़ीद आपने मीटर से चेक करके वो आपने इसकी जगह जो IC है UC 3848 वो आपने इसमें दोबारा लगा देना है, और जो आपने कंपोनेंट छोटे मोटे हैं वो आपने लाजमी चेक करने हैं। जिस तरह इसकी 39 ओम 1 वाट खड़ी है, 180K खड़ी है, और FET के आगे जो दो रेजिस्टेंस खड़ी है 1 वाट 0.47 वो भी आपने लगा लेनी है। अब हमारे पास जो FET है 2060 है या 2996 है, इनमें से कोई भी नंबर हो तो आप इसमें लगा सकते हैं, और भी नंबर बहुत सारे हैं जो इसमें लग सकते हैं दोस्तों। इस तरह आपने FET के टांके लगाकर इसे क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपने दोस्तों सबसे पहले आपने इसे सीरीज बोर्ड में चेक करना है कि आया हमारा सर्किट कोई शॉर्ट तो नहीं है। ये देखिए, अब हम इसे सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। अब ये देखिए रेड लाइट ऑन हो गया है, इसका मतलब ये है कि चार्जर हमारा सप्लाई आगे निकाल रहा है। अब दोस्तों हम अब इसे बैटरी पे लगाएंगे। बैटरी पे लगाने से इसकी ग्रीन लाइट रोशन हो जाएगी। उसके बाद हम इसे दोबारा मेन पावर देंगे तो ये देखें दोस्तों ग्रीन लाइट ब्लिंक भी कर रही है, और मीटर पे इंडिकेशन भी आ गया है कि ये इतने एम्पेयर आगे दे रहा है, और पीछे पंखा भी चल रहा है। इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा ये चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसे दोबारा उसी तरह फिट करेंगे जिस तरह हमने खोला है। मेरी आप दोस्तों से फिर गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें दोस्तों, जिस तरह हमने इसके FET खोले थे, नीचे आपने अब्रक शीट जो है वो भी आपने लाजमी लगानी है। अगर ये अब्रक शीट आप नहीं लगाएंगे, इंसुलेट नहीं करेंगे FET वगैरह को, तो आपकी चीज़ ये नहीं चलेगी, ये ख़राब हो जाएगी दोस्तों। ये देखें दोस्तों, हमने इसे बैटरी पर लगाया है तो ये चल रहा है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।